जूनागढ़ से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर इस वक्त गिरनार लिली परिक्रमा जारी है। बड़ी तादाद में भक्त गिरनार की लिली परिक्रमा में शामिल हुए हैं। तब आपको बता दें कि गिरनार की लिली परिक्रमा में चोरी समेत के कई किस्से भी सामने आ रहे हैं, जिसके चलते जूनागढ़ पुलिस सतर्क हो गई है और जूनागढ़ पुलिस की ओर से विभिन्न केसों के मद्देनज़र अब तक 332 जितने लोगों के सामने कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही शकमंद लोगों की पूछताछ भी पुलिस की ओर से की जा रही है और 61 वाहन चालकों के विरुद्ध भी अब तक गिरनार की लिली परिक्रमा को लेकर कार्रवाई की गई है। जूनागढ़ पुलिस इस मामले में काफ़ी सख्ती बरत रही है। ऐसे में इस पूरे मामले के मद्देनज़र जिला पुलिस वड़ा हर्षद भाई मेहता ने प्रतिक्रिया दी है। गई कल थी गिरनारनी परिक्रमा जो शुरू थी है, यहाँ पुलिस ने अलग अलग हेड ने जो कामगिरी थी है, तमाम जगह जे 3000 जेटला पुलिस नो बंदोबस्त है, यहाँ खास करीने सर्वेलेंस नी टीम है, लोकोनी सुरक्षा माटे कोईपण प्रकारे कोईना शंकास्पद रीते कोईनी कीमती चीज वस्तुओं लई लेवानी के चोरी करवावाळी मानसिकतावाळा जे ईसमो छे एवा कुल 43 थी वधारे ईसमो विरुद्ध पोलीस स्टेशन में 109 110 107 151 प्रकार अलग अलग सीआरपीसी मुजबनी कार्यवाही उपरांत पोलीस स्टेशन ने लावीने पूछपरछ करेला हुआ एवा लगभग 255 थी वधारे ईसमोने शंकास्पदोने पोलीसे एमना विरुद्ध छे अलग अलग कार्यवाही करी छे। साथे साथे ट्राफिक एन्फोर्समेंट बराबर थाय, लोकोने रस्ता उपर अड़चण न थाय ए माटे थई अने ट्राफिकनी जे टीम छे एमां कुल 55 जेटला वाहनों गईकालना दिवसमां टोइंग कर्या छे। साथे साथे डिटेन करवानी कार्यवाही लईए तो कुल मळीने 61 वाहन चालकों विरुद्ध पोलीसे कार्यवाही करी छे। आ उपरांत अलग अलग हेडना जे पोलीसनी रावटी छे, शी टीम छे કે જે મહિલાઓની સુરક્ષા માટે છે, ખાસ કરીને એવા વિખૂટા પડેલા બાળકોને બંનેને મળવાનું, કોઈની હેલ્થના પ્રશ્નો હોય તો એમની સુરક્ષા સુધી પહોંચાડવાનું હેલ્થની ટીમ સુધી, અથવા તો એક ઘટનામાં કાલે પોલીસ જવાન દ્વારા જે સીઆરપી આપીને એમને જે ઇમરજન્સીમાં જે હેલ્પ કરી, આવી અલગ અલગ જે અનેક લોકોને હેલ્પ પણ કરવામાં આવેલી છે। આ કામગીરી છે એ સમગ્ર રૂટ ઉપર તથા ભવનાથમાં આવતા બસ સ્ટેન્ડથી શરૂ કરી અને આ રૂટ ઉપર પણ આ કામગીરી કરવામાં આવેલી છે। વારંવાર બસ સ્ટેન્ડ જેવા જાહેર જે જગ્યાઓ છે ત્યાં ચેકિંગની કામગીરી પણ ચાલુ છે।